हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएसएस ऑनलाइन क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर संतोष सर, एंड टुडे आई प्रेजेंट विद द न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 7 टेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज द टेंस इन विच वी फ्रेम द सेंटेंस दैट एक्शन इज वर्किंग ऑन। मीन्स इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी मेक द सेंटेंस दैट इज वर्किंग कॉन्टिन्यूअसली। जो काम लगातार हो रहा हो उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्रेम करते हैं। एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री काइंड ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट काइंड इज अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड काइंड इज निगेटिव सेंटेंस, थर्ड काइंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट, लाइक अ सिंपल फ्यूचर टेंस द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री काइंड ऑफ सेंटेंस। सो स्टूडेंट, फर्स्ट वी डिस्कस द रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले हम लोग क्या है अफर्मेटिव के रूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि द सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज फ्रेम ऑन विच रूल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंस, हियर इज द रूल इज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट को सबसे पहले राइट करते हैं, देन आफ्टर सब्जेक्ट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज एम एंड आर। इज एम आर इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एंड आफ्टर इज एम आर वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर देते हैं। देन ऑब्जेक्ट एंड देन एक्सेट्रा, व्हाट एवर कम इन द सेंटेंस वी हैव टू राइट। ओके, सो स्टूडेंट द रूल, दिस इज द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड After that, I give some example that clear the rule of affirmative sentence. इसके बाद मैं कुछ examples आपको दूंगा जो ये affirmative sentence का जो rule है उसको और ज्यादा clear कर देगा। ठीक है, तो example is he is singing a song. He is singing a song. This is the example of affirmative sentence of present continuous tense. Here, he is the subject of the sentence, and when we write he, we use helping verb is. जब हम लोग ही सब्जेक्ट के रूप में राइट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, इज यूज होगा। एंड सिंगिंग, सिंग फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी सिंगिंग, एंड अ सॉन्ग इज द ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, सो द सेंटेंस इज ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। एंड आफ्टर दैट आई टेक अनदर एग्जांपल, आई एम रनिंग अ रेस। आई एम रनिंग अ रेस। सो स्टूडेंट, आई इज द सब्जेक्ट, एंड व्हेन वी यूज आई देन वी यूज एम एज अ हेल्पिंग वर्ब। जब हम आई यूज करते हैं तो आई के साथ एम जो है हेल्पिंग वर्ब होता है। एंड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब
verb first form plus ing means running. Running and a race is the object. So the sentence is I am running a race. Now I give the another example. You are coming. You are coming from school. You are coming from school. Here, student. You is the subject, and when we use you, then helping verb is are. जब हम you use करेंगे, तो helping verb क्या होगा? Are होगा. And coming is the verb of first form plus ing, and then from school. So example is you are coming from school. So lot of sentences are the example of affirmative sentence. Okay, student. I hope you understand the rule of affirmative sentence. And after affirmative sentence, we discuss the rule of negative sentence. Okay, I erase it. Now student, we discuss the rule of negative sentence. Dear student, negative sentence is the sentence in which not or never are there. Negative sentence ऐसा sentence होता है जिसमें not या never लिखा रहता है. So that is known as negative sentence. Just as I am not working well. मैं अच्छा से काम नहीं कर रहा हूं. तो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव सेंटेंस. ओके, एंड रूल ऑफ निगेटिव सेंटेंस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, देन वी राइट इज एम आर. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इज एम आर राइट करते हैं. देन नाउन बिकॉज इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, एंड आफ्टर नाउन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी राइट करते हैं. देन वी राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड देन इट इज. ओके स्टूडेंट, here is the rule upon which negative sentence is written. Negative sentence को इसी rule के base पे बनाया जाता है. Now we discuss some example that clear the rule of negative sentence. अब हम लोग जो है कुछ examples के through जो है negative sentence के rule को और ज्यादा क्लियर करेंगे और ज्यादा क्लेरिफाई करेंगे. सो द रूल इज, द एग्जाम्पल इज यू आर नॉट प्लेइंग, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच. यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच मतलब आप क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हो या तुम क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हो. सो स्टूडेंट, इट इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, एंड हियर यू इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, आर इज द हेल्पिंग वर्ब, नॉट बिकॉज इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, प्लेइंग इज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन क्रिकेट मैच the object. And after that we take another example. Sita is not
Sita is not writing a letter. Sita is not writing a letter. Here, Sita is the subject and is the helping verb not because it is a negative sentence. Writing verb first form plus ing and a letter is the object. And after that, we take another example. I am not completing my project. Means मैं अपना project पूरा नहीं कर रहा हूं. So student, here is the example of negative sentence and there is a lot of sentence that build upon negative sentence. And I hope you understand the rule of negative sentence. Okay, now we discuss the rule of interrogative sentence. Now discuss about interrogative sentence. So dear student, third is interrogative sentence. In interrogative sentence, we can ask the question. Interrogative sentence क्या होता है? जिसमें हम लोग question को पूछते हैं. That sentence is known as interrogative sentence. And interrogative sentence is of two types. Interrogative sentence जो होते हैं, वो दो तरह के होते हैं. First is yes no type of interrogative. क्या होता है? Yes no type of interrogative are those sentences that we reply with yes or no. इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसका हम लोग रिप्लाई जिसका हम लोग आंसर यस या नो में दे सकते हैं. दैट सेंटेंस इज नोन एज यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव. जस्ट एज एग्जाम्पल, इसके रूल्स क्या है यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं. तो यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव रूल इज, फर्स्ट ऑफ ऑल we write helping verb according to subject. Means first of all we write is, am, are according to subject. Subject के according हम लोग is, am, are लिखते हैं. अगर subject he होता है तो यहाँ पे हम is लिखेंगे. अगर subject I होता है तो am लिखेंगे. अगर subject you होता है तो क्या लिखेंगे? यह कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आप लोग फ्रेम कर लीजिएगा कि इसी रूल के बेस पे बनाए जाते हैं. प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वीपीसी और प्लस क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ we discuss some example that based upon yes no type of interrogative. Example, that is is she playing badminton. Is she playing badminton? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. Is
see playing badminton. So today it is the example of yes to type of interrogative. Now I tell another example. Are you coming from your house? क्या तुम अपने घर से आ रहे हो? So student, it is also example of yes no type of interrogative. Okay. Now student, we discuss the another type of interrogative, and that is known as WH type of interrogative. The next interrogative is known as WH type of interrogative. Next is, second is WH type of interrogative sentences. अब हम लोग कह रहे हैं डब्ल्यू एच टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि डब्ल्यू एच टाइप ऑफ इंटरोगेटिव कैसे बनाया जाता है. तो रूल इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड. डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड मीन्स वेर, व्हाट, वेयर, व्हिच, एक्सेट्रा. दीज आर नोन एज डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड. Then we write is, am, are according to subject. Subject के according हम लोग is, am, are write करते हैं. Then after subject we write, after is, am, are we write subject. Subject. Then we write was form plus ing. Then we write object, then etc., then question mark. So student, it is the rule of WH type of interrogative. Now student, we take some example that better example. And example is, When are you playing cricket? When are you playing cricket? Means तुम cricket कब खेल रहे हो? तो so student, it is the example of WH type of interrogative. Now take another example. Why is C? Why is C dancing? Why is C dancing in the class? Why is C dancing in the class? Means what class mein डांसिंग क्यों कर रही है, क्यों नाच रही है? तो स्टूडेंट, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ डब्ल्यूएच टाइप ऑफ इंटरोगेटिव. एंड नाउ अनदर एग्जांपल इज, वेयर आर वी, वेयर आर वी गोइंग ऑन मंडे. वेयर आर वी गोइंग ऑन मंडे मीन्स हम लोग मंडे को, सोमवार को कहाँ जा रहे हैं? सो स्टूडेंट, एंड लॉट ऑफ अदर एग्जाम्पल ऑफ डब्ल्यू एच टाइप ऑफ इंटरोगेटिव इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दीज रूल्स
very clearly. And if you have any doubt, you can message me or ask me with the phone call. Okay, thanks for watching the video. काले कलर